हेलो गाइस, मैं हूं अभिषेक और मैं अस्तित्व। हाँ तो सर, आज हम दोबारा एक वीडियो लेकर आ रहे हैं और ये वीडियो भी हमारी एक प्रोजेक्टर में हम ये वीडियो बना रहे हैं। पहले हमने भी प्रोजेक्टर पे काफ़ी वीडियो बनाई हैं और आप लोगों का बहुत बहुत ही अच्छा रिस्पांस मिला है उन वीडियोस पे, और हम अपने सारे सब्सक्राइबर्स और उन लोगों की बहुत बहुत थैंक यू करते हैं कि उन्होंने हमारी वो वीडियोस को पसंद करा। काफ़ी कमेंट्स भी हमने देखे हैं अपनी उन वीडियोस पे, और काफ़ी लोगों ने रिक्वेस्ट करी थी कि जिन दो मॉडल्स की हमने वीडियोस अपलोड करी हैं वो काफ़ी हाई रेंज के हैं, तो थोड़ा सा मीडियम रेंज या लो रेंज में प्रोजेक्टर्स अगर हों तो आप प्लीज़ बनाइए। तो वही कंसेप्ट लेकर इस बार हम आए हैं। हमने बॉस के जितने भी मॉडल्स आते हैं उनमें से हमने बेस्ट 3 मॉडल्स सिलेक्ट किए हैं जो मीडियम रेंज और लो रेंज में हैं, और जिनकी तीनों की वीडियोस हम बनाएंगे और आपको उनकी कॉन्फ़िगरेशन और उनकी आउटपुट, उनकी वीडियो क्वालिटी सब कुछ दिखाएंगे। और ये स्पेशली उन लोगों के लिए है जो डिमांड कर रहे थे कि कुछ कम रेंज में उनको एक अच्छा प्रोजेक्टर मिल सके। तो आप ये वीडियो एंजॉय कीजिए, हम आपको 1x1 तीनों मॉडल्स की डिटेलिंग इस वीडियो में देंगे। हाँ तो गाइस, जैसे कि हमने आपको बताया कि अभी हम एक सीरीज़ लेके आ रहे हैं जिसमें हम आपको मीडियम रेंज और लो रेंज के प्रोजेक्टर्स दिखाएंगे। तो इसी सीरीज़ में जो सबसे पहला प्रोजेक्टर हम आपके लिए लेके आया है वो है बॉस का S8A। ये फुली एंड्रॉयड प्रोजेक्टर है, इसके जो ल्यूमेंस है वो है 5500 और ये फुली HD के साथ है, वाईफाई कनेक्टिविटी है और होम और ऑफिस के लिए ये एक परफेक्ट प्रोजेक्टर है अगर आप मिड रेंज में कोई प्रोजेक्टर देख रहे हैं। बाकी इसका कैसा आउटपुट है, कैसी वीडियो ऑडियो क्वालिटी है, इसमें इनबिल्ट स्पीकर्स भी है तो आप इसमें कैसी ऑडियो क्वालिटी आती है, वीडियो क्वालिटी कैसी है, इसका हम आपको एक डेमोन्स्ट्रेशन अभी देते हैं तो आप देखिए आगे वो चीज़। हेलो गाइस, ये है बॉस का प्रोजेक्टर S8A और थोड़ा सा साइज़ में बड़ा है, मीडियम रेंज में बहुत ही अच्छा प्रोजेक्टर है। इसका आउटपुट बहुत बढ़िया, अभी हम इसका आउटपुट भी दिखाएंगे। ये इसका ऑपरेशनल पैनल है जिस पे आप सारा ऑपरेशंस कर सकते हैं, सारी कीज़ है, ऑन ऑफ सोर्स मेन्यू सब कुछ यहाँ पर है। ये वॉल माउंट हो जाता है, माउंट इसके साथ ही आता है, आप कहीं भी इसको माउंट पर लटका सकते हैं। और मैं इसके पीछे कैसा दिखाता हूँ, ये हैं इसके कनेक्टिविटी के सारे पोर्ट्स, पावर केबल्स, ऑन ऑफ का स्विच, HDMI के 2 पोर्ट हैं इसमें, USB के 2 पोर्ट हैं, VGA केबल्स लगाने के लिए भी सारे पोर्ट्स हैं इसमें। तो ये सारे इसके कनेक्टिविटी के हैं। और ये जो आप गोल देख रहे हैं ये वाला, ये स्क्रीन एडजस्टमेंट का नॉब है, इसको ऐसे ऐसे करके आप स्क्रीन को एडजस्ट कर सकते हैं। और आगे इसका लेंस है, आउटपुट इसका मैं अभी आपको दिखाता हूँ, इसको मैंने ऑन कर रखा है। ये इसकी पावर स्विच है, ये इसका मेन्यू स्विच है, ये सोर्स का, और ये इसके ऑपरेशनल स्विच है वॉल्यूम और अप डाउन करने का, ये ओके एक बटन। अब मैं इसका आउटपुट आपको दिखाता हूँ, आप देखिए। हाँ तो गाइस, कमरे में हमने सारे ऑफ कर दिया लाइट्स और मैं अब इसका आउटपुट आपको दिखाने वाला हूँ। ये है इसका वाईफाई, सॉरी वायरलेस माउस, ये इसके साथ ही मिलता है ऑपरेशन के लिए। मैं इसको प्ले करता हूँ वीडियो, आप वीडियो देखिए। गाइस प्लीज सी द पिक्चर क्वालिटी, दिस इज फुली HD पिक्चर क्वालिटी। बट मैं आपको फिर से कहूंगा कि ये जो आप देख रहे हैं ये वॉल पर है, और जब आप इसको स्क्रीन पे देखेंगे तो इसकी पिक्चर क्वालिटी इससे भी बढ़िया आएगी। और ये 5500 ल्यूमिन्स की आउटपुट है। हाँ तो गाइस, जैसे अभी आपने देखी इस प्रोजेक्टर की वीडियो क्वालिटी, हमें तो मतलब बहुत ही बढ़िया लगी। आप भी देख सकते हैं कि बिल्कुल HD और 4K वीडियोस भी आप इसमें बिना किसी दिक्कत के चला सकते हैं। और अगर प्राइस की बात करें इस प्रोजेक्टर की,
तो प्राइस इस प्रोजेक्टर का है अराउंड 45,000। तो मीडियम रेंज में काफी अच्छा प्रोजेक्टर है, बहुत अच्छा प्रोजेक्टर है। आप अपना इसमें सेटअप बॉक्स अटैच कर सकते हैं, जैसे आप टीवी में अपना केबल लगाते हैं या आपके पास डिश है, कुछ भी है, आप इसके साथ इजीली अटैच कर सकते हैं। वाईफाई इनबिल्ट है इसके अंदर, आप अपना राउटर इसके साथ अटैच कर सकते हैं, मोबाइल अटैच कर सकते हैं, कुछ भी आप इसके साथ अटैच कर सकते हैं, किसी तरीके की कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। आउटपुट बहुत बढ़िया है, एचडी में इसका आउटपुट आपको मैंने दिखाया ही है अभी। और मीडियम रेंज में काफ़ी अच्छा प्रोजेक्टर है, अगर किसी की रेंज ज़्यादा नहीं है। हमने पीछे जो दो प्रोजेक्टर्स की वीडियो बनाई थी उनकी रेंज अबाउट 65,000 थी, S7 मॉडल और S15 तो काफ़ी हाई रेंज का है। तो एनी हाउ, जिसकी मीडियम रेंज की रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से ये बेस्ट प्रोजेक्टर मैं रेकमेंड करूँगा। अगर आपको घर में सिनेमा मतलब अपना थिएटर बनाना है तो उसके लिए भी आप ये प्रोजेक्टर यूज़ कर सकते हैं। आप इसमें मूवीज़ वगैरह एक अगर बड़े उस पर पर्दे पे देखना चाहते हैं तो आप ये प्रोजेक्टर बाय कर सकते हैं। होम सिनेमास के लिए और उन सब चीज़ों के लिए भी ये परफेक्ट है। और इसमें आप एक्सटर्नल स्पीकर्स और होम थिएटर सिस्टम भी अटैच कर सकते हैं। और ये फुली एंड्रॉयड प्रोजेक्टर है, सेम इसका मॉडल नंबर है S8A, प्राइस है इसका 45,000। लेकिन अगर कोई नॉन एंड्रॉयड लेना चाहे, बिल्कुल सेम यही साइज का है, बिल्कुल सेम यही प्रोजेक्टर मॉडल नंबर S8, वो आपको मिल सकता है 30,000 में, 30,000 रुपये में नॉन एंड्रॉयड फुली HD प्रोजेक्टर आपको मिल सकता है। और जिसकी रेंज जो थोड़ी और कम रेंज में चाहता है वो नॉन एंड्रॉयड S8 मॉडल ले सकता है। सेम दिखने में ऐसा ही है, सेम चीज़ है, बस इतना ही फर्क है कि ये जो मैंने अभी आपको दिखाया ये एंड्रॉयड मॉडल है और वो नॉन एंड्रॉयड है। परफॉर्मेंस वाइज बहुत अच्छा है, कंपनी की आफ्टर सेल सर्विस बहुत अच्छी है, टोटल सपोर्ट आपको मिलेगा ऑल ओवर इंडिया, आप कहीं पे भी हो आपको सपोर्ट कंपनी करेगी। आफ्टर सेल ऐसा नहीं है कि सेल के बाद सर्विस भूल जाएगी आपको, आपको सपोर्ट नहीं करेगी। कोई भी टेक्निकल इशू आता है, कोई भी इशू आता है, कंपनी आपका पूरा साथ देती है। और इस प्रोजेक्टर को आप ले सकते हैं, मीडियम रेंज में प्रोजेक्टर बहुत बढ़िया प्रोजेक्टर है, मैं रिकमेंड करूँगा मीडियम रेंज में इस प्रोजेक्टर को लेने के लिए। इसके अलावा भी एक दो मॉडल्स और भी हैं, वो हम आपको अदर फर्दर वीडियोज़ में आपको बताएंगे, वो भी कम रेंज के ही हैं, ज़्यादा हाई रेंज नहीं है, वो भी कम रेंज के ही हैं और वो भी मैं आपसे डिस्कस करेंगे आप तब तक। और अगर आप हमारी पुरानी वीडियोस देखना चाहते हैं जो हमने S7 और S15 जो थोड़े हाई एंड मॉडल्स है उस पर बनाई है, तो लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और वो वीडियोस देख के आप कंपेयर कर सकते हैं। देखिए सर, कंपैरिजन करेंगे तो आपको फर्क बहुत बहुत नजर आएगा, वो दोनों 4K प्रोजेक्टर्स हैं, स्मार्ट प्रोजेक्टर्स हैं, और उसकी और इसकी आउटपुट में फर्क तो है लेकिन प्राइस में भी बहुत फर्क है। बट हम ये नहीं कहेंगे कि इसकी वीडियो क्वालिटी भी एवरेज है, इसकी वीडियो क्वालिटी बहुत अच्छी है। एवरेज घर के हिसाब से अगर आपको थिएटर बनाना है या अपने रेगुलर यूज के लिए बहुत ही बढ़िया प्रोजेक्टर है। इस प्रोजेक्टर में भी ऐसा कुछ इशू हमें नहीं लगा, कोई इशू नहीं है, आप इसको यूज कर सकते हैं। मैंने पर्सनली अपने कई नोन फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के घर में ये सेम मॉडल इंस्टॉल करवाया है, मैंने उनको रेकमेंड करा, उन्होंने इसको पूरा टेस्ट किया, यूज किया और उनके रिव्यूज मैंने लिए हैं, और इसके बाद ही मैंने आपको आपको मैं रेकमेंड कर रहा हूँ इस प्रोजेक्टर को लेने के लिए। आप इसको ले सकते हैं, यूज कर सकते हैं, अच्छा प्रोजेक्टर है, वैल्यू फॉर मनी है। तो हमारी आने वाली वीडियोस के लिए आप देखते रहिए हमारा चैनल और सब्सक्राइब करते रहिए। आगे हम जल्दी दो और मॉडल्स की वीडियोस आपको बना के देंगे, मीडियम रेंज में और लो रेंज में, इससे भी कम रेंज का भी एक प्रोजेक्टर हम आपको बताएंगे जो आप अपने नॉर्मल घर में लगा सकते हैं।